उधर यूपी विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है। 10 नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। राज्य की मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर मुलाकात की गई है। राज्यपाल रमेश बैस ने इस दौरान प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है 2 से 3 दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। बता दें आपको कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से आए एक रिपोर्ट को लेकर, उस रिपोर्ट को लेकर जिसमें हेमंत सोरेन को लेकर कुछ मंतव्य दिया गया है राज्यपाल को, उस मंतव्य के आधार पर राज्यपाल को फैसला लेना है। लेकिन एक सप्ताह से उस पर सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर उसमें है क्या, उस सीलबंद लिफाफे में है क्या, क्या उसमें जो मंतव्य है क्या वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अनुकूल है या प्रतिकूल है, उनके खिलाफ जाता है तो उसमें और क्या क्या बातें हैं जो मुश्किलें बढ़ाने वाली हो सकती है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ था कि चिट्ठी आई है भी या नहीं, लेकिन कम से कम अब यह जानकारी स्पष्ट हो चुकी है यूपीए के प्रतिनिधिमंडल के राज्यपाल से मिलने के बाद कि मंतव्य मिला हुआ है, चिट्ठी आई हुई है, राजभवन को आ गया। ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई है कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई आधिकारिक बयान राजभवन से जारी नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम लोगों ने उनसे कहा कि आप जो कुछ भी है आप उसे स्पष्ट करें ताकि भ्रम की स्थिति ना रहे। हाँ, जैसे कि जब हमने जब पूछा गया कि कितना हो सकता है आप 5-7 दिन और लें, तो नहीं नहीं उतना दिन नहीं लगेगा, बहुत जल्द। इस तरह से काफी गंभीरता से महामहिम ने हम लोगों की बातें सुनी और उसके बाद उनकी जो टिप्पणी थी कि 1-2 दिनों में इस पर फैसला हो जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहें। और ये जो राज्य में भ्रामक स्थिति बनी है, शासन और प्रशासन दोनों। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।